अस्सलाम वालेकुम। टॉप न्यूज टॉप स्टोरीज के साथ हाजिर हैं नया बुलेटिन लेकर। इंडिया ने बड़ी शिकस्त से दो चार कर दिया है साउथ अफ्रीका को। शिकस्त हुई है 113 रन से। मोहम्मद शमी ने कर दिया है कमाल, ली हैं 10 विकेट। पीछे छोड़ दिया है कपिल देव जैसी असीम खिलाड़ी की शख्सियत को भी। न्यूजीलैंड के असीम खिलाड़ी रोज टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का कर दिया है ऐलान। शुक्रिया अदा करते हैं अपने फैंस का जिन्होंने 17 साल इनको सपोर्ट किया। PSL 7 का मेला लगने जा रहा है आइंदा जनवरी फरवरी में। PSL के लिए 100% स्टेडियम भरने का कर दिया गया है ऐलान। लेकिन मैच देखेंगे वही जिन्होंने करवाई होगी 100% वैक्सीन। इंग्लैंड के जोन्स कहते हैं इंग्लैंड ने करना है अपना खोया हुआ वकार बहाल। हराना है अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम आ गया वनडे की कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर में। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क्रिकेट कहना है वसीम खान का अभी शोएब अभी वहाब के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया। मगर जमान की है आज रवानगी बिग बैश में शिरकत के लिए। एशेज सीरीज में जारी है कोरोना का फैलाव, नया केस आ गया सामने। इंतजामिया कोशिश कर रही है कोरोना से बचे इस मर्तबा का PSL 7, लेकिन परेशानी है बरकरार। उम्मीद करनी चाहिए इस मर्तबा हालात रहेंगे अच्छे।